वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन अम्बूत गड़ादि शिवितम् कपेत्थे अम्बूफल चार्वक्रम् उमासुतम् शोक विनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सब द्वार को छोड़ कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरित। भक्तों, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरो, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजी से कहते हैं कि हे राजन, भगवान के अवतार की कथा का हम वर्णन करते हैं। परम ब्रह्म के कलप कलप लगे ही अवतारा, हरे अनंत हरे कथा अनंता। भगवान के अनेक अवतार होते हैं, प्रत्येक कल्प में परमात्मा का अवतार होता है। और भगवान की इसलिए अवतारों की कथा अनंत है, जैसी परमात्मा अनंत है वैसी परमात्मा की कथा भी अनंत है। सर्वप्रथम जिस समय पर यो विष्णु सा तू वे रुद्र, यो रुद्र सा पितामह, एक मूर्ति श्रेय देवा रुद्र विष्णु पितामह, जो परमात्मा है, जो परमात्मा मार्कंडेय पुराण में शक्ति द्वारा अपनी शक्ति से एक हूं हम बहुत श्यामा, अब मैं एक हूं बहुत हो जाऊंगा, जो ये भाव धारण करते हैं, जो ब्रह्मा रुद्र विष्णु स्वरूप है, वो परमात्मा जल के अंदर सबसे पहले पुरुष अवतार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप धारण करने के लिए परम ब्रह्म सबसे पहले पुरुष अवतार लेते हैं, जिसे विराट पुरुष कहा जाता है। विराट पुरुष जल के अंदर शयन करते हैं, अपने योग विद्या के द्वारा जल में शयन कर रहे होते हैं। उसी समय पर विशुद्ध सत्यमय भगवान के इसी प्रधान रूप का योगी जन ध्यान करते रहते हैं, जो परमात्मा उसमें शयन करते हैं। उस विराट पुरुष के अनंत पैर हैं, अनंत भुजा है, अनंत मुख है, अनंत सिर है, अनंत कान है, अनंत नेत्र है, अनंत नासिका है। ऐसा विराट पुरुष रूप परमात्मा सबसे पहले धारण करते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करते हैं। सबसे पहले विराट पुरुष रूप होता है, जिसे विराट विष्णु भी कहा जाता है। ये चतुर्भुज रूप उन्हीं की शक्ति से एक रूप धारण करते हैं। उन्हीं परमात्मा के अनेकों अवतार होते हैं, उन्हीं के द्वारा ब्रह्मा जी भी प्रकट होते हैं। इस संसार में भगवान के असंख्य अवतार हैं। समय समय पर जगत की रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए अनेकों ब्रह्मांडों में अनेक ब्रह्मांड हैं। अनेकों ब्रह्मांडों में वो परमात्मा अनेक अवतार लेते हैं। जो परमात्मा के अवतारों की कथा सुनते हैं,
उनके सभी प्रकार के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, तभी तो कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेत्वे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा परम ब्रह्म श्री कृष्ण अवतार जिन्होंने लिया, जो साक्षात संपूर्ण कला अवतार थे, श्री कृष्ण अवतार हुआ, जो तो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। देविक देहिक भौतिक तीन प्रकार के ताप होते हैं, शारीरिक मानसिक और जो संसारिक। तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं उन परमात्मा का सभी ध्यान करते हैं। सावेत दादवी पदवी परस्य दुरंत भी दशरथांग पारे। जो देवाभिमानी जीव तर्क या कौशल के द्वारा परमात्मा की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, वो प्राणी निष्कपट भाव से अहंकार का त्याग करके भगवान के चरण कमल मकरंद का पान करता है, उसी पर उस परमात्मा की शीघ्र कृपा हो जाती है। परमात्मा के सामने छल कपट नहीं चलता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, स्वयं राम जी ने कहा है। भगवान के सामने ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, छल कपट त्याग करके परमात्मा की शरण कर ले, परमात्मा की कथा श्रवण करे, भाव रखे, तो उसको ही भगवान के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो जाती है। जो लीलाओं के साथ साथ ज्ञान के द्वारा भक्ति भगवान के स्वरूप को बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है। हे राजन, आप लोग धन्य हैं, आप धन्य हो जो इस प्रकार से भगवान में निष्ठा रख करके कथा श्रवण करने के लिए लालयत रहते हो, इसलिए हे राजन आपकी मुक्ति अवश्य होगी। भगवान के लोक कल्याण के लिए इन चैत्रों का श्रवण कराने के लिए प्रादुर्भाव हुआ है। इस कथा का आप लोग श्रवण करें। धर्म भी भगवान की कथाओं के श्रवण में रहता है। जो धर्म है कलयुग में भगवान की नी लीलाओं के सारे रहता है, इसलिए भगवान की लीलाओं का मकरंद रस पान करते रहना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। जो भगवान की लीलाओं का श्रवण करते रहते हैं वो परमात्मा अपने भक्तों पर असीम कृपा प्राप्त कराते रहते हैं। भगवान के जिन परमात्मा की शरण में पांडवों को जाने से पांडवों की रक्षा हुई, वो परम पिता परमात्मा कामी पुरुषों की दृष्टि से दूर रहते हैं। हे राजन, संसार का कल्याण करने के लिए अनेक शास्त्र हैं। इस कलयुग में आगे आने वाले समय में मनुष्य की आयु बहुत कम है, ऐसे समय पर मनुष्यों की आधी आयु रात को निद्रा में इसी समय में बीत जाती है, बची हुई आयु दिन में धन की चिंता करने में कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाती है। मिथ्याभूत नश्वर देही पुत्र स्त्री आदमी आसक्त होकर के पुरुष संसार में सबका मरण देखता हुआ भी मरण पर विचार नहीं करता। संसार में प्राणी देखता है, एक दूसरे की मृत्यु भी देखता है, संसार जाता है तब उसे ज्ञान होता है कि संसार में कुछ नहीं है, भगवान का भजन करना चाहिए। परंतु जैसे ही वहां से घर आता है संसार के मोह में फंस जाता है, उसकी आयु वृथा चली जाती है, कभी भी परमात्मा की भक्ति प्राणी नहीं कर पाता। इसलिए निश्चल मन से केवल भगवान की कथा श्रवण कर ले, श्रवण मनन चिंतन करें, संसार के भाव में संसार के कर्मों में प्राणी का समय बीत जाता है। इसलिए पुत्रों की ममता धन कमाने की ममता इन्हीं में बीत जाता है, पर केवल एक रास्ता दिखाया है।
हे राजन, केवल समय निकाल करके भगवान की कथा श्रवण करता रहे। भगवान की कथा सुनने से और यथाशक्ति अपनी कमाई में से धन का हिस्सा निकालता रहे। कथा श्रवण करे, यथाशक्ति दान करे, भूखे को कोई भूखा आ जाए तो उसकी सेवा करे, किसी का दिल नहीं दुखाए। केवल इतना करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, संसार के सुख भी प्राप्त हो जाते हैं, संसार के दुखों का नाश हो जाता है, अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। और भगवान की कथा ऐसी है, भगवान की भक्ति ऐसी है, इसमें कोई धन नहीं लगता। इसे निर्धन से निर्धन भी कर सकता है, निर्धन से निर्धन भी भगवान की कथा सुन सकता है और धनवान भी सुन सकता है। भगवान की कथा सुनने में किसी का कोई भेद नहीं है। इसलिए ही राजन, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों में अंतर ये होता है। निर्गुण का ध्यान योगी जन कहते हैं और सगुण का ध्यान भक्ति जन कहते हैं। सगुण की भक्ति ही संसार से उद्धार कर देती है, संसार के भव सागर से सगुण की भक्ति पार कर देती है। कामी पुरुषों में तत्त फल का साधन जो है, एतन्य विद्यमानाना मिच्छाता अनकृतो वयम् योगिनान प्रणीतम हरे नामानुकीर्तनम। इस संसार में केवल एक ही तत्व है, केवल परमात्मा के नाम का संकीर्तन और कथा सुनना। अगर आपको मोक्ष चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहिए कि ये लोक भी सुधरे, पर लोक भी सुधरे, तो केवल परमात्मा की कथा श्रवण करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, इतने से ही परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। जो वर्ष बीत गए उनकी चिंता छोड़ो, जब जागो तब सवेरा। अगर आपको जिस समय भी प्राप्त हुई है, जैसे हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण का बाद में पता चला, जब भी पता चला तभी सुनना शुरू कर दो। जो समय बीत गया सो बीत गया। स्त्री को कोई सा भी महीना चल रहा है, इसे तुरंत शुरू कर देवे। पहले से ही अगर पहले पता लग गया तो पहले से शुरू कर दो। जो गलतियां हो गई सो गई। जिस भी कामना से सुनते हैं, अगर आप प्रभु की भक्ति चाहते हैं तो भक्ति के लिए भी सुनना शुरू कर सकते हैं। प्रभु की भक्ति किसी भी समय शुरू कर दी जाए, इसमें कोई दिन का नियम नहीं होता, कोई नियम नहीं है। भगवान तो मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल को आने वाले ही मंगल करने वाले ही, तो इसमें दोष क्या? किसी भी अवस्था में सुनो, परमात्मा का हर समय ध्यान रखो। इसलिए जो समय निकल गया उसकी चिंता छोड़ो। राजा खट्वांग ने तो एक मुहूर्त में ही परलोक बना लिया था, तो इसलिए जो समय निकल गया, परमात्मा कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, किसी में भी कोई परिवर्तन कर देते हैं। आप सोच रहे हो कि ये काम होगा कि नहीं होगा, उस काम को भी परमात्मा बना देते हैं। केवल भाव होना चाहिए, सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के उसी विराट स्वरूप में, पाताल में तस ही पाद मूलम पदंते पाणि पदे रसातलम। भगवान का जो विराट स्वरूप है, वैशंपाय ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान का जो विराट स्वरूप है उसके पाद मूल में पाताल कहा जाता है। एड़ी और पाद का अग्रभाग रसातल है, दोनों गुल्प महातल है, जंगा तला तल है, दोनों जानो सुतल है, दो उनो बितल है, अतल जगन महितल नाभिस्थल, ये भगवान के स्वरूप पे जाते हैं। भगवान विराट स्वरूप के ब्रेक स्तर स्वर्ग लोक है, बदन मुख है, जन लोक है, ललाट है, तपो लोक श्रो भाग है, सत्य लोक भी सिर का अग्रभाग कहा जाता है। जो इंद्रा देवता है, भगवान की भुजा है, दिशाएं कान है, शब्द स्रोत है, अश्विनी कुमार नासका पुट है, घृण कान इंद्रिय है, अग्नि भगवान का मुख कहा जाता है। भगवान के शरीर की नाड़ियां ही नदियां समुन्द्र है,
राम वृक्ष श्वास वायु गति काल कर्म संसार ये सब भगवान के स्वरूप कहे जाते हैं। इसलिए हे राजन, इसी धारणा के द्वारा ब्रह्मा ने प्रलय काल में अपने नष्ट हुई स्मृति को परमात्मा की शक्ति से प्राप्त करके विश्व की सृष्टि की थी। वेदों में नाना प्रकार के यज्ञ आदि कर्म हैं, उनका वर्णन मिलता है कि अनेक प्रकार के कर्म वेदों में कहे गए हैं। उनके फल स्वर्गीय भोग्य पदार्थ सब नश्वर है, मिथ्या है, इनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस लोक में शरीर निर्वाह के लिए जितना भी भोग अपेक्षित हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए, अधिक नहीं। यदि भोग बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाए तो उसके लिए चेष्टा ज्यादा नहीं करनी चाहिए। संतों के लिए जैसे संत ऋषि मुनि होते हैं, चिराण किम पतिना संत दिशंत भिक्षा नेवाग्रपा परिवृता सरितोपिसोष्यम रुद्रागुआ किमजितोपि नोपिसन्नाम कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान। अगर लंगोटी के लिए मार्ग में कपड़ा है तो आगे क्या चिंता, खाने को वृक्ष के द्वारा फल प्राप्त हो जाते हैं, पीने को नदियों का पानी है, रहने को गुफाएं हैं, तो भक्तों को क्या चिंता। कहा जाता है कि चिंता क्यों करो, चिंता ना करो, चिंतन करो। जब दांत ना थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न भी देगो, जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध लेते वो तेरे लेगो। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कचो हाथ न रहेगो। जब माता के घर में प्राणी होता है उस समय भी वही परमात्मा देख रेख करता है। जब दांत ना थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न भी देगो। यहां तक कि चींटी कीड़े मकोड़े सबकी सुध लेता है, अपने भक्तों की सुध क्यों नहीं लेगा। आज सच्चे भाव से समर्पित तो जाओ, विश्वास तो करके देखो, आपकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। आप भाव से परमात्मा की भक्ति तो करो। इसलिए किसी चीज की चिंतन ना करके चिंतन करो। भगवान की भक्ति के लिए बाहर और भीतर दो प्रकार की धारणा करनी चाहिए। इसलिए शरीर त्याग करने की पहले परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए, अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। इंद्रिय प्राण सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करता है, स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगता है, मैं जन तप लोगों का अतिक्रमण करता है और योगी जन इस प्रकार से सत्यलोक को चला जाता है। सत्यलोक पहुंच करके योगी जन जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो ब्रह्मा की आयु पर्यंत ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। और जो परमात्मा हिरण्य गर्भ की आराधना करते हैं, भगवान के निर्गुण सगुण रूप की नारायण की भक्ति करते हैं, भक्ति करने वाला ब्रह्मांड को भेद करके भगवान के गोलोक धाम में चला जाता है और भगवान श्री कृष्ण में स्वयं लीन हो जाता है, भगवान के निकुंजों में प्रवेश कर जाता है। इसलिए हमेशा तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यम् कीर्तितव्यस्य स्तव्यो भगवान निराम। इसलिए मनुष्यों को सर्वदा भगवान श्री कृष्ण का सिमर मनन चिंतन और कीर्तन करते रहना चाहिए। ऐसे विषयों से दूषित अंतकरण शुद्ध हो जाता है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण का हमेशा ध्यान करना चाहिए। इसलिए राजन, हमेशा भगवान को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग होते हैं, सदो मुक्ति क्रम मुक्ति। योगियों ने दो मार्गों को बताया है। जो मनुष्य भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण और कथा श्रवण करते हैं, उन मनुष्यों के लिए
भगवान की सायुज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वेदाध्ययन की सामर्थ्य आने वाला पुरुष ब्रह्मा का यजन करे, इंद्रों की सामर्थ्य चाहने वाला इंद्र का, प्रजा की वृद्धि चाहने वाला दक्ष का, लक्ष्मी चाहने वाला दुर्गा देवी का, प्रभाव चाहने वाला अग्नि का, सोना गौ चाहने वाला वसुओं का, आयु चाहने वाला शनि कुमारों का, सुंदर चाहने वाला गंधर्वों का, विद्या चाहने वाला भगवान शिव का, नाना प्रकार के भोगों से मनुष्य देवताओं का यजन करता है। और जो मुक्ति की चाहना रखता है वो स्वयं नारायण की परम ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना करें। सकाम निष्काम सर्वकाम अथवा मोक्ष चाहने वाला तीव्र भक्ति योग द्वारा भगवान विष्णु का यजन करें। इस प्रकार से इंद्र देवताओं का यजन करने वाले भी धीरे धीरे भगवत कथा स्वर से भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करके मोक्ष की अधिकारी हो जाते हैं। जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं उनको भगवान की कथा श्रवण करने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए वैराग्य और मोक्ष प्राप्ति उत्तम साधन इन सबसे बढ़कर के भक्ति योग होता है। भगवत कथा में ऐसा कोई बिरलाई मनुष्य है जो भगवान की कथा में आकर्षक नहीं होता। हर व्यक्ति को यह कथा आकर्षण कर देती है। हे राजन, भगवान का प्रसंग वक्ता श्रोता इसमें दोनों ही असाधारण होने चाहिए। भगवान की कथा कभी भी सुन रहे हैं इसमें ध्यान रखें। कथा सुनाने वाला भी ऐसा होना चाहिए जो भगवान का वैष्णव हो, जिसे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो। और सुनने वाला भी ऐसा होना चाहिए जो कथा सुनाने वाले गुरु को व्यासी का स्वरूप मान करके उनकी प्रति समर्पण हो जाए। आप कथा सुन रहे हैं तो पूर्ण भाव से समर्पित होकर के पूर्ण विश्वास रख करके कि हमको गुरु जी कथा सुना रहे हैं, हमारे गुरु जी भगवान श्री व्यासी का स्वरूप है, हमारी कामना अवश्य पूरी होगी। अपने आप को समर्पण कर दो, भगवान के प्रति समर्पण कर दो, अपने आप को समर्पण कर दो तो आपका कार्य अवश्य बनेगा। श्रोता और वक्ता दोनों ही असाधारण होने चाहिए। आप आरती करते हैं, आरती करते हुए भगवान के सामने कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, कहते ना तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते ना नित्य प्रति गाते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। और अभी जरूरत पड़ जाए कि चलो आपको भगवान के मंदिर में सेवा करनी है, कहेंगे नहीं जी अभी हम पर समय नहीं है, अभी हमें जाना है, अभी कहा जाए नहीं आप कथा सुन रहे हैं आपको ये दान देना है, क्या कहेंगे नहीं इतनी हमारी बस की नहीं है। चलो सामर्थ क्या, सामर्थ के अनुसार भी नहीं देंगे, लाखों रुपए वैसे खर्च कर देंगे, पर जहां भगवान की बारी आएगी, कहते हैं ना इस संसार में संसार बड़ा विचित्र होता है, नृत्यकारों के नाचने में नोटों से काम लेट, कथा की चढ़ौती में चढ़ाते तीन पाई हैं, अच्छे शुभ काम के लिए दाम नहीं है जेब में, अधर्म के लिए ना जाने कहां से दर्द पाती है। कभी ने सही कहा है, अभी कहीं नृत्य हो रहा है या फिल्म देखनी है या कोई गलत जगह पर खर्च करना है, शराब मदरा का सेवन करना है कहीं गलत जगह पर, अभी लाखों रुपए खर्च कर देंगे और जैसे ही आती है दान पुण्य की तो सबसे पहले देखिए सबसे हल्की नोट छोटी नोट कौन सी है। भगवान के प्रति ऐसा भाव रखेंगे, कई भक्तों की आदत होती है, सभी की नहीं होती, कईयों की आदत ऐसी होती है अगर फल भी ले जा रहे हैं कोई सेवा भी ले जा रहे हैं ना तो कहेंगे सबसे सस्ते वाले फल ले लेते हैं। जब तुम परमात्मा को सच्चा सस्ता चढ़ाओगे तो तुम्हें भी सस्ता ही फल मिलेगा। आप गुरु के द्वार जाओ, भगवान को अर्पण करो, संत को करो, कहीं दान पुण्य करो, ज्यादा ना करो, दिखावा मत करो, कम करो पर सही करो, अच्छा करो। वस्त्र भी लाते हैं, कोई ब्राह्मण देवता आपके घर पर आता है, कोई संत ऋषि मुनि गुरु आते हैं तो क्या कहेंगे
दुकानदार के पास पहुंचेंगे, हमें पंडित जी के लिए कपड़े देने, और वो दुकानदार भी इतना समझदार है, सबसे सस्ते कपड़े बिकाएगा, हाँ ये कपड़े चलते हैं जी। वो ब्राह्मण को आप देंगे, वो उसे उठा करके पोंछा बनाएगा या किसी और को दे देगा, आपका दान बेकार गया। ज्यादा मत दो, कम दो, पर अच्छा दो। जैसे आप अपने लिए जाते हो, नहीं ये कपड़ा नहीं, सबसे अच्छा दिखा हमारे लिए, बच्चों के लिए दिखाना, सबसे महंगा दिखा। तो ऐसी भावना होनी चाहिए, भाव ऐसा ही होना चाहिए। ये सब कुछ परमात्मा का है, लक्ष्मीपति का है, और लक्ष्मीपति के लिए कर रहे हैं तो अच्छा ही करो, भाव भी अच्छा रहेगा। डॉक्टरों के पास जाते हो, हम मोल भाव नहीं करते, नहीं इतनी फीस नहीं, इतनी ले लो जी। वहां तो जी नहीं डॉक्टर साहब, आप एक की जगह 1 लाख की जगह पर 1.5 लाख लग जाए, पर हमारा काम होना चाहिए। और कई गुरु संत ब्राह्मण के पास जाते हैं, वहां जाके मोल भाव करते रहते हैं, कहते हैं परमात्मा का मोल भाव नहीं। अगर आपका विश्वास नहीं करा, आपको ठीक नहीं है, कि जगह ठीक नहीं है, तो वहां से चले आओ, पर मोल भाव ना करो, उसे व्यापार मत बनाओ। आप किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, उसकी भी गृहस्थी देखो, जैसे कोई ले रहा है तो ये नहीं, हाँ उसको भी समर्पण करो, उसका भी परिवार होता है, किसी गृहस्थी का चलता है। आप दूसरी जगह पर लाखों लुटा देते हो तो वहां पर क्यों। कई जगह पर ब्राह्मण बहुत से आते हैं, कई ब्राह्मण हमें बतलाते हैं कि गुरुजी ऐसा हुआ था, हम शादी में गए थे, करोड़ों की शादी थी और दक्षिणा टाइम पे चिक चिक करने लग गई, बैंड बाजे वाले आए, उनको लाख रुपए उड़ा रहे थे और हमारे लिए चिक चिक करने लग गई। क्या उनका भी परवाह नहीं है, सोचो। इसी तरह से भगवान के मंदिर जाते हो, हाँ आप एक बात का ध्यान रखो, भरे में भरा मत करो। जैसे जहां पर लाखों आता है वहां पर आप हजारों चढ़ाओगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वह लाखों पहले से आ रहा है। पर जहां आप जरूरत है उस ब्राह्मण को, किसी गरीब को, निधन को, किसी को भी दान करते हैं, वो बहुत आशीष देता है। इसलिए जरूरत वाले स्थान पर, बड़ी जगह दिखावा मत करो, पर जहां जरूरत है, छोटा स्थान है, गुरु है, वहां पर जरूर दो। अपने गुरु को जिसके द्वारा सुन रहे हैं उसको ऋण जरूर चुकाओ, जिसके द्वारा आपने दीक्षा ली है, जिस गुरु के द्वारा संस्कार पढ़ रहे हैं उसको तृप्त अवश्य करो। अपनी शक्ति के अनुसार, जबरदस्ती भी नहीं होता, कहते हैं जबरदस्ती वाला दान भी दान नहीं लगता। ये भावना रखे, ऐसे वक्ता श्रोता होने चाहिए। सूर्य उदय और अस्त होते हैं, मनुष्य की आयु का रण कहते हैं। जिसने भगवत कथा, भगवान की अरवंश कथा श्रवण कर ली, एक क्षण भी व्यतीत कर लिया, उसका वो समय व्यर्थ नहीं जाता, सारा समय बेकार जाता है। पर जो भगवान की कथा सुनने में समय होता है, वो समय का ही सदुपयोग होता है, वो समय ही सच्चा होता है। इसलिए जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करते, उनका शरीर कैसा है, जीवन कैसा है, जैसे लोहार की बत्ती श्वास लेती है, जो बत्ती जलती है, लोहा जिसमें लोहा तपाता है उसमें श्वास के लिए जगह छोटी है, वो श्वास लेती है। ऐसी जिसके कानों में भगवान की कथा नहीं पड़ती, वो मनुष्य पशु पक्षी के समान होता है, बिना पोच का पशु के समान होता है। जो धर्म का आचरण करता है वही सच्चा धनुपयोगी है, जो उसी ने जीवन को सार्थक कर लिया। ये जीवन का पता नहीं है, क्षण भंकुर है, क्षण भंकुर की जीवन कल का कल प्रातः काल खिली ना खिली, इसका पता नहीं है। अभी हम श्वास ले रहे हैं, अगली श्वास आएगी या नहीं भी आएगी, कोई पता नहीं। इसलिए भगवान को प्रणाम न करने वाला सिर बोझा की समान होता है, भगवान की सेवा न करने वाले हाथ मृतक पुरुष के समान होते हैं, भगवान के शिव विग्रह का दर्शन न करने वाले नेत्र मधुर पुच्छ के सवार होते हैं। जो पैर भगवान की तीर्थ यात्रा नहीं करते, वो वृक्ष के समान है। जिन कानों में भगवान की कथा नहीं पड़ती और कथा सुन के जिनके नेत्रों में आंसू नहीं बहते, शरीर में रोमांस नहीं होता, वो हृदय पत्थर के समान है। इसलिए
भगवान की कथा में पूर्ण सिद्धा भाव हो जाना चाहिए, पूर्ण भाव से समर्पित होकर के भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। अपने आप को परमात्मा के समर्पण कर दो तो देखना मेरे नारायण भी आपका सारा बोझा ले लेंगे, आपके सारे कार्य सिद्ध कर देंगे। इसलिए भक्तों पूर्ण विश्वास से आप परमात्मा की कथा श्रवण करते रहो, बार बार श्रवण करो, आपकी कामना पूरी हो जाती है। उसके बाद में भी सोच लो कि हम जीवन भर इस कथा को भगवान की को श्रवण करते रहेंगे, यहां तक कि आप जिस समय जब भी आंखें बंद करूं छटपट दर्शन हुए, पूरी कथा याद आ जाए कि हमने क्या क्या सुना है। इस रस पान का बार बार पान करोगे, बार बार नया आनंद ही प्राप्त होगा। भक्तों आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, आगे कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान, राम लखन सी जान की सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।